इस वीडियो में हम देखेंगे एमवीपी टीम्स कैसे बनाई जाती है और एमवीपी टीम से आप सिर्फ एमवीपी कॉन्टेस्ट ही ज्वाइन कर सकते हो। एमवीपी कॉन्टेस्ट थोड़ा सा अलग है, इसमें आपको 11 प्लेयर्स नहीं चुनने, कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं चुनना है, सिर्फ 4 प्लेयर चुनने हैं जो आपको लगता है सबसे ज्यादा फैंटेसी पॉइंट्स लेके आ सकते हैं, यानी एक विकेट कीपर, एक बैट्समैन, एक बॉलर, एक ऑलराउंडर। ये बन गई आपकी एमवीपी टीम। इसमें चारों मैच होते हैं तो जैकपॉट प्राइज, अगर 3 मैच होते हैं आपके तो बम्पर प्राइज मिलेगा। नीचे दिया हुआ क्रिएट एमवीपी टीम्स पे क्लिक करो, ये इस तरह से स्क्रीन खुलेगी, यहाँ से आप सेलेक्ट करो एक एक प्लेयर। यहाँ पे विनिंग पॉइंट्स पे नहीं होता है और ये आसान भी है जितना, क्योंकि हर बार एक वीक टीम नजर आती है तो आपको पता होता है कौन सा बैट्समैन चलेगा, कौन सा ऑलराउंडर, कौन सा विकेट कीपर और कौन सा बॉलर चलेगा। ये आपके 4 प्लेयर चुन लिए, इसको सेव टीम करो, ये आपके एमवीपी टीम रेडी हो जाती है 4 प्लेयर की। ये एमवीपी टीम्स के टैब में आपको ये एमवीपी टीम नजर आएगी और आप मल्टीपल टीम्स, 3 टीम्स बना सकते हो, यानी टीम अलग अलग प्रेडिक्शंस कर सकते हो। अब ज्वाइन करने के लिए एमवीपी कॉन्टेस्ट पे क्लिक करो और एमवीपी टीम्स आपको दिखेगी, उसमें से एमवीपी टीम सेलेक्ट करो और टीम आपने कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लिया। अब इसकी एक और खासियत ये है कि अगर आपका सिर्फ जैकपॉट किसी ने जीता या सिर्फ बम्पर जीता या किसी ने कुछ भी नहीं जीता तो जो प्राइज मनी है वो अगली कॉन्टेस्ट में ऐड हो जाता है, अगली कॉन्टेस्ट में प्राइज मनी बढ़ जाता है और जितने ज़्यादा लोग ज्वाइन करेंगे उतना ये प्राइज मनी बढ़ती जाती है और ये जितना भी आसान है, मैंने पहले भी कहा है, पॉइंट्स पर नहीं होता है, प्रेडिक्शन पे होता है। प्रेडिक्शन तो ईजी है, हर कोई किसी से पूछो तो हर आदमी बता ही देता है, भाई ये बैट्समैन चलेगा, ये ऑलराउंडर चलेगा, ये विकेट कीपर और ये बॉलर चलेगा, तो जीतो खेलो,